बर्बाद कर दियो सरकार ने बेटी तरह तर बर्बाद हो गई। 300 रुपये डेली के मिलते, 300-400 रुपये है ना, और उसमें हमने अपना घर बनाया। कैसे कैसे बनाया होगा आप समझ सकते हो भाई। हमने कोई अपने पेड़ बच्चों के पेड़ काट काट के खरीदी थी ना, हमने कोई ऐसे तो नहीं रहे थे। अवैध कब्जा तो उसे किया जाता है ना, जो क्या हम वैसे ही आके रहने लगते। हमने तो खरीदी थी ना, पानी रोक लिया, बिजली रोक ली, लोगों का मिलना जुलना, खाना वाना सब कुछ रोक लिया। ऑटो बस, अब बस हवा ही बची है जो हम ले सकते सांस की जगह। अगर सरकार का बस होना हवा रोकने में, तो ये सारे एरिया को सील करके बोले थे कि हम हवा रोक रहे हैं, जिनको जीना है वो बाहर निकल जाओ बस स्टेशन से। अगर सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमारे फ्लैट देना, कहीं ऐसी जगह दे रहने के लिए जहां हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब क्या भविष्य है उनका बताइए। कोई बेटी 9th में है, कोई 7th में है, कोई 10th में है, क्या भविष्य है उनका, मेरी बेटियों का? हाँ, क्या करूँगी मैं उनके लिए? फिर से घर बना पाऊँगी क्या? मैं उनकी परवरिश में लगाऊँगी या फिर घर के लिए जोड़ूंगी? हैं, कैसे कर पाऊँगी मैं? इतनी मेहनत की थी मैंने, यहाँ पे दिन रात पत्थर तोड़े हैं, पत्थर पूरी चट्टान थी यहाँ पे, ठीक है, पत्थर तोड़ तोड़ के अपने घर बनाए था मैंने। मतलब वोटर कार्ड बनवाए गए, आधार कार्ड बनवाए गए हैं। तो वोटर कार्ड का मतलब, जब हम वोट देते आ रहे हैं, 15 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो आज ये हरियाणा में कैसे हो गया अचानक? आज ये शिवलोक नहीं रहा, ये हरियाणा हो गया। अब हम लोग तो शांति से रह रहे थे ना, किसी को कुछ तो नहीं कह रहे थे ना, सरकार तक तो नहीं पहुंची ना हमारी कोई शिकायत तो नहीं जा रही थी ना कि यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया है या कोई बात है यहाँ पे, ऐसी को तो कोई बात नहीं गई थी ना सरकार तक। तो फिर यहाँ से ऐसे ऐसे क्यों पता वो कर रहे हैं हम लोगों को? यदि यहाँ पे हम यहाँ पे रहेंगे, चाहे हम तोड़ जाए फूट जाए कितना भी कुछ कर ले, रहेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम कहाँ लेके जाएंगे 4-4, 5-5 बच्चों को? कोई रूम भी नहीं दे रहा किराए पे, कोई नहीं दे रहा किराए पे, कुछ क्या कुछ नहीं दे रहा है। कह रहे मुसलमान है, मुसलमानों को किराए के रूम नहीं है। बच्चे गए हैं तुम्हारे, बताओ बच्चों को कहाँ फेंक आएगा? हम कहाँ फेंकेंगे बच्चों को? अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो वो रूम लेने जाएगा, पैसा तो बराबर दे रहा है ना, बच्चों को कहाँ डालेंगे? खाना पकाने का सामान बचा लिया, बेड सारे इसमें खत्म, सारे अलमारी चौकटे सब इसमें खत्म, ये सामान रखा है यहाँ को बचा बचा के। और कहाँ जावे, ये जगह मिली थी इतनी सी, यहाँ को इतना सा रख दिया, और कुछ नहीं है हमारे पास, सोने बैठने को चारपाई नहीं, कुछ नहीं। ये भी मांग मांग कर तखत वखत डाल रखे हैं हमने रात के सोने के लिए, यहाँ को बच्चे इधर उधर सो रहे हैं, ये पता बेटे किसी के घर सोने लायक है, जवान जवान बेटा किसी के घर डालने लायक मोल है आजकल? आजकल मोल वो नहीं है, अपनी बेटी अपने सीने से लगा कर रखने का मोल है। आज बेटे कहीं सो रही हैं, हम कहीं सो रहे हैं रोडों पे, तब हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाए भैया? अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग, क्या रोजी रोटी क्या कमाते थे, रोजगार के लिए क्या करते थे? बस यही है कि जो बस लोहे का काम करते हैं, कहीं काम मिल गया वेल्डिंग का तो अपना कर लिया घर। अब मैं बताऊँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके सर पे जाके पढ़ूँ? कोई मकान तक नहीं दे रहा किराया तक, तुम्हारी इतनी सारी फैमिली है, मुसलमान को तो वैसे भी नहीं कह रहा कि मुसलमान के लिए कमरे नहीं है। भैया बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ये घर आपका ही था? ये मेरा घर था। कितने कमरे थे घर में? कमरे मेरे 4 कमरे थे, सारा कुछ मेरी सुविधा पूरी थी। मैंने तभी 2-3 साल पहले पैसा लगाया बहुत इसमें, कि अब मुझे बच्चों की शादी करनी, 2 बच्चों की शादी करने वाली जाती मैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनका सारा सामान यहाँ पर इस मलबे के अंदर है, चाहे कपड़े हो, चाहे सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो, बेड हो, दरवाजे हो, हर कुछ इस मलबे के अंदर अभी तक है। आप क्या बताऊँ, सबके लोगों के अंदर है गम है, आंसू है, मैं क्या बताऊँ, आप जरा सुन सकते हैं। बर्बाद कर दियो सरकार ने, बिल्कुल बेटी धरातल बर्बाद हो गई, सरकार सो गई बैठ गई, अब तो अपने अपनी आंखें बंद कर, अब सरकार को कुछ नहीं दिख रहा, सरकार वोट मांगने के लिए एकदम आती है। अभी अभी आपके परिवार वाले कहाँ? मेरे परिवार सब इधर आधर ही बैठा रखे मैंने अपने, कहीं 2 बेटी किसी के घर, 2 बेटी किसी के घर, बहु मैंने उधर छोड़ रखी, 3 घरों में बैठे मेरे बच्चे। अब जहाँ पे भी लोग बस जाते हैं वहाँ पे बस्ती बन जाती है। और ये तो है कि ना, कभी भी देश में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे बस्ती ना बसी हो,
कई बस्ती टूटी भी नहीं है। ढाराई जैसी बस्ती 50 साल से भी ज़्यादा हो गया। मुंबई में हल्की सी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ना आज तक सरकार ने टोला नहीं कभी भी। सरकार तो ना हम लोगों को अनाथ समझ के छोड़ दे रही, बस यही है फंडामेंटल राइट। तो हमने भाई 10 साल से पढ़ रहे, हम तीसरी क्लास से फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 21 पे मूवी बन चुकी है, ये तो देखने के लिए बचा हुआ है बस। अभी यहाँ पे तो एक तो लोग ना 2 महीने से बिना बिजली गए हैं। अब बड़े बड़े लोगों के घरों में 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है, वो लोग अपना माथा पटक लेते हैं। हम तो 2 महीने से बिजली बिना उसके रह रहे हैं। पानी इतना दूर दूर से ढो ढो के ला रहे हैं, पानी यहाँ पे टैंकर ना आने दे रहा है, ना कोई खाने का सामान नहीं सही से मिल पा रहा। अगर सरकार का बस होना हवा रोकने में, तो ये सारे एरिया को सील करके बोले थे कि हम हवा रोक रहे हैं, जिनको जीना है वो बाहर निकल जाओ बस्ती से, अगर मरना है तो बस्ती में बैठ के मर जाओ। अरे हवा भी रोक लेते, अब दिखाई कहाँ दे रहा है किसी को। आप आए हो, आप हमारी बात सुन रहे हो, अब इन लोगों क्या है, इनको बस राम मंदिर की परी हुई है, राम मंदिर यूनिवर्सिटी बनाओ, राम मंदिर बनाओ। अरे लोग इतने लोग बेघर है। अभी मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला है, अब लोग रिजल्ट स्कूल की फीस भरनी है, अभी 11वीं 12वीं कर भी पाऊँगा। जैसे हिम्मत करके ना, चलो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ तो कुछ काम आ जाएगा। अभी यहाँ पे अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मेरी किताब भी आधी से ज़्यादा धस गई, सारे डॉक्यूमेंट धस गए, क्या बताऊँ और कितनी कहानियाँ बताऊँ इस कोहड़ी गांव की। तकरीबन 10,000 सरकारी कागजात पर बताया जाता है कि 10,000 घर इस गांव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब आप इस गांव वालों से बात करेंगे तो इनका कहना है कि 20,000 से ज़्यादा घर इस गाँव में हैं, और अभी 1/3 घर भी सरकार प्रशासन या फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तोड़ नहीं पाई है। दरअसल इस गांव की हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये बैग, इस बैग में अक्सर चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो कॉपी किताब रखते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं इस बैग के अंदर क्या है। देखिए इस बैग के अंदर ये हथौड़ी है, ये छेनी है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो मलबे आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर सूरज नाम जैसे कितने बच्चों का कॉपी किताब सर्टिफिकेट सभी इसके अंदर दफन है। ये बच्चे बैग के अंदर अब कॉपी किताब की जगह छेनी हथौड़ी रख रहे हैं, और इसी हथौड़ी से ये मलबे हटाकर अपने भविष्य की नींव जो रखनी जाती है कॉपी किताब, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके घर को तोड़ा जाए, लेकिन ये कौन बताएगा कि 20,000 से ज़्यादा परिवार जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। बीच सड़क पर इतना बड़ा परिवार अगर देश में कहीं रहता है तो आप ज़रा बताएं कौन सा इस देश में सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो केंद्र सरकार हो, कौन इतने बड़े परिवार इतने लोगों का जिम्मा लेने का ठेका रखता है, चाहे हरियाणा सरकार हो दिल्ली सरकार हो। आज के वक्त कोई भी सरकार ये कहने को राज़ी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हम शरण देने वाले हैं। इन सभी लोगों के पास वोटर कार्ड हैं, आधार कार्ड है, लेकिन अब ये कहाँ जाएँ ये सबसे बड़ा सवाल है। अब क्या बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, पुलिस प्रशासन कहती है कि ऊपर से ऑर्डर है, लेकिन इन लोगों की कौन सुनेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कौन सुनने वाली है। ज़रा सोचिएगा कि इतना बड़ा परिवार अगर सड़क पर रहता है तो उनकी रोज़ी रोटी कौन चलाने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, खोड़ी गाँव बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से, द हेडलाइन के लिए।